प्रियंका गांधी का धमतरी जिले के क्रूद के खेल मैदान में हुआ आगमन, प्रियंका गांधी का जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। प्रियंका गांधी तीनों विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट देकर जिताने की कही बात, वहीं अपने भाषण में केंद्र को भी घेरा और आपस में मिलजुल कर रहने की बात कही। वहीं यह भी कहा कि कांग्रेस जनता पर विश्वास करती है और जनता कांग्रेस पर। वहीं राहुल गांधी की पैदल यात्रा को भी जनता के समक्ष रखा और सभी को आपस में जोड़ने और सोच समझ कर वोट करने को कहा। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार से दंगा या फसाद झगड़े होते हैं उसमें आम जनता को नुकसान होता है, ना कि नेता को। आइए देखते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में और क्या कहा, क्या कहा और अपने भाषण में किस प्रकार से तंग कसते हुए केंद्र सरकार को भी घेरा नेता के प्रति और एक राजनीतिक दल के प्रति। तो आज अगर हम यहाँ खड़े होकर कुछ घोषणाएं कर रहे हैं तो उसके पीछे भी यही बात है कि हम भी आप पे भरोसा करते हैं और आप हम में भरोसा करते हैं। अब यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनमें से एक प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है उससे जुड़ जाओ। ठीक है, अच्छी बात है। ये विचारधारा क्या है, ये कौन सी विचारधारा है जिससे हम चाहते हैं कि आप जुड़े, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो विचारधारा है उसकी नींव स्वतंत्रता के संग्राम में डली, जिसमें आप सबके पुरखों ने भाग लिया, क्योंकि स्वतंत्रता का संग्राम जो था वो सिर्फ नेताओं ने वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, वो पूरी जनता ने लड़ी। आपके जो दादा परदादा हैं, नाना नानिया हैं, वो भी इसमें उन्होंने भाग लिया और वो भी लड़े इस देश की आजादी के लिए। और उनकी विचारधारा क्या थी, सत्य मतलब सच्चाई होनी चाहिए सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, देश के जीवन में, जनता के जीवन में सत्य की जगह होनी चाहिए। कोई नेता आपके सामने आकर तो झूठ बोल के चले गया, हमारी विचारधारा के मुताबिक ये गलत है। किसी नेता ने ऐसी घोषणा कर दी जो पूरा नहीं करना चाहता लेकिन कर दी कि भाई चुनाव आ रहा है, ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। किसी दो भाइयों को लड़ा दिया या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ा दिया जनता को और उसमें से राजनीतिक फायदा लिया कि भाई देखो इन दोनों धर्मों को लड़ा देंगे तो ये सारा एक धर्म हमारे लिए वोट दे देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, जनता जाए भार में। ये हमारी विचारधारा के एकदम खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सब एकजुट हो, कि सब एक साथ आगे बढ़े, कि लड़ाई फूट, हम समझते हैं देखिए कि लड़ाई फूट फैलाने से नुकसान किसका होता है। आज तक आप बता दो मुझे कहीं लड़ाई हुई, कहीं झगड़ा हुआ, कहीं दंगा फसाद हुआ और किसी नेता का नुकसान हुआ, बता दो, कोई बता सकता है कोई ऐसा, कभी ऐसा कोई हादसा हुआ जिससे नेता का नुकसान हुआ? नहीं होता बहनों और भाइयों। लड़ाइयों से, झगड़ों से, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जब फूट होती है, हिंसा होती है, सिर्फ आपका नुकसान होता है, जो सबसे गरीब उसका सबसे ज्यादा नुकसान। तो ये लड़ाई झगड़ा करना हमारी विचारधारा के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात क्या है हमारी विचारधारा में, जो गांधी जी ने कही थी, गांधी जी ने कहा था कि गांव को मजबूत बनाओ, गांव को सशक्त बनाओ। जनता का जो पैसा है, जो जनता की संपत्ति है, वो वापस जनता की जेब में डालो। सबसे बड़ा जो हमारी विचारधारा की जो सबसे बड़ी चीज है वह यही है कि ये देश जनता का है, इस देश को जनता ने आजाद किया, इस देश को जनता ने बनाया, किसान की मेहनत ने, मेरी बहनों की मेहनत ने, मजदूरों की मेहनत ने, छोटे छोटे उद्योगपतियों की मेहनत ने, नौजवानों की मेहनत ने, ये कहती है कि देश में जनता सर्वोपरि है, कोई नेता जनता से बड़ा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वज्ञानी है, जिसके हाथों में सारी सत्ता केंद्रित हो।
हमारी विचारधारा कहती है कि देश में सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा सत्ता और देश की संपत्ति तीनों देश की जनता के हाथों में होनी चाहिए। धारा है, और जब आप कहते हैं इससे जुड़िए तो इसी की बात कर रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व है और खुशी है कि आप छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार की इसकी बहुत तेजी से तरक्की होने वाली है। सरकार की जो नीतियां हैं, प्रदेश की सरकार की जो भूपेश काका की नीतियां हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, वो सब इसी विचारधारा से जुड़ी हैं और सबकी यही, उसके नीचे यही सोच है, उनका आधार यही है कि आप दीदी। तो कैसे समझाएं हम आपको कि ये जो वोट है आपका इतना कीमती है, ये सारी बातें आपके ध्यान को भटकाने के लिए की जाती हैं। वोट जो आपका है ना इतना कीमती इसलिए है क्योंकि आपके भविष्य बनाने वाले से देंगे तो 5 साल आप तरक्की करेंगे। इसको आप अगर इन उलझनों में पढ़ के देंगे कि किसी ने धर्म की बात कर ली, किसी ने जाति की बात कर ली, किसी ने कोई झूठी घोषणा कर ली, तो आप तरक्की नहीं करेंगे, नुकसान सहेंगे, संघर्ष करेंगे। तो ये बहुत कीमती चीज है संगठन की ओर से, और जो 75 बार जो नारा भूपेश बघेल ने दिए हैं उनमें ये तीनों विधानसभा, ये तो हम सबके लिए गौरव की बात है। धमतरी जिला में, धमतरी जिला की बात बोलो कुरुत नहीं, धमतरी जिला में पहली बार गांधी परिवार का राजीव जी के आने के बाद प्रथम बार आगमन हुआ है, हम सब की सौभाग्य का विषय है। और कुरुत विधानसभा खास करके प्रथम बार है, 75 साल के रिकॉर्ड में कभी यहाँ उनका आगमन नहीं हुआ था। और हम लोग सभी समर्पित परिवार से गांधी परिवार के प्रति आस्था रखते हैं, और आज उनके आने से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ है। आज खेती किसानी के समय में किसी के पास बात करने का समय नहीं, फुर्सत नहीं है। आज हम गांव में जब जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए तो पूरा गांव खाली रहता है, लेकिन इस भरे दोपहर के समय में हजारों की संख्या में यहां पर लोग आकर के प्रियंका जी के पास सुनने के लिए, प्रियंका जी से मिलने के लिए, उनका देखने के लिए उनको विशेष रूप से सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरे कार्यकर्ता लोग उत्साह के साथ आज सारे काम काज छोड़ करके यहाँ पहुँचे हैं। जितने लोगों को हम लोग बोले थे उससे 4 गुना अधिक लोग अपने अपने व्यवस्था से यहाँ पर पहुँच करके उत्साहवर्धन किए हैं। देखिए लाभदायक इसलिए 100% रहेगा कि ये भीड़ कोई लाया हुआ भीड़ नहीं है, ये भीड़ कोई किसी का प्रलोभन से लाया हुआ भीड़ नहीं आता, क्योंकि हमारे पास प्रलोभन देने के लिए कुछ नहीं आता। पिछले 2 दिन पहले कल हुआ था जब भगारक कार्यक्रम हुआ था, वो प्रलोभन का कार्यक्रम था, भीड़ उसी के लिए लाया था। और वहाँ पर जो भीड़ आई थी मैनेजिंग भीड़ थी, जो पब्लिक में उत्साह नहीं था, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, घोर निराशा स्मृति ईरानी जी के कार्यक्रम में देखने को मिला है। और यहीं पर अभी आप देख रहे हैं प्रियंका जी के कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ, ऐसा लग रहा है कि उनके घर में कोई मेहमान आया है, उस मेहमान का स्वागत करने के लिए आए। एक नंबर है। अब स्मृति ईरानी जी की बात को तो मैं गंभीरता से लेता नहीं, पहले तो मैं उनसे पूछूंगा, जब गैस सिलेंडर 472 रुपया हुआ मनमोहन सरकार के कार्यकाल में, तो सिलेंडर को लेकर गली गली रोड पर बैठती थी वो, पहले सिलेंडर के बारे में बताया, जब आज 1200 रुपया हो गया तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके क्यों नहीं बैठ रही है, क्या सत्ता सुख भोगने के लिए मंत्री बनी हुई है? मतलब वो महिलाओं को झूठ बोलने का काम करती है, वो महिलाओं को गुमराह करने का काम करती है। एक नंबर ही, 2 नंबर ही, वो क्या बात करेगी, खुद 2 नंबर ही वो है, जो उनका चेहरा, उनका बात, उनका दिख रहा है कि वो बोलती क्या है और करती क्या है। इसी में आप समझ सकते हैं कि पहले का उनका आंदोलन और उससे जब 2.5 गुना जब आप रेट बढ़ गए तो उसके बारे में आप उसका कोई बयान नहीं दिया आया है। इसमें आप समझ सकते हो कि स्मृति ईरानी खुद 2 नंबरी के रूप में काम कर रही है।